यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं कुश्ती में। परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे, और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है, इनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे, वो मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। महिला वोटर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जीत के लिए, क्योंकि आप भी महिला हैं, आप अपनी बहनों से, माओं से क्या अपील करेंगी, क्योंकि आप मैदान में उतरी हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही है, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी चक्कर में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि आप, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे कॉलेज में जा रहे थे, तो काफी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ उनको मिले। और मेरी बहन मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी उतना नाम करे, और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी। यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती हैं, और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। देखिए सर, एक तो आपको दिखा रहा होगा रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है, ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है, अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है, कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। मैम, कल में देखिए सर, कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप नहीं चाह के भी कुछ काम करना पड़ता है आपको। मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है, और मेरे अपने लोग समझते हैं इस चीज को। बस जो भी फैसला लिया है मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से लिया है, ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, बड़ों ने मुझे बुलाया है, तभी मैं इनके बीच में आई हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।